आज मेरे पास आर एस वेंकट रत्नम के साथ बात करने का सौभाग्य है, जो कि आचार्य रत्नानंद जी के रूप में जाने जाते हैं, इज़ोलिनस गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के पिताजी। आपका स्वागत है आचार्य रत्नानंद जी, आपका धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके बेटे की जन्म की महत्वपूर्ण के बारे में? ज़रूर, जब मेरे बेटे श्री श्री रविशंकर जी जन्मे तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण पल था। उनका नाम खुद में उनका भविष्य दर्शाता था। रवि सूरज से शंकर प्रभु शिव को दर्शाता है और नारायण प्रभु विष्णु को सिम्बलाइज करता है। यह तत्व उनके अनोखे सफ़र की पहचान थी। बचपन से ही उन्होंने एक गहरी आध्यात्मिक जागरूकता को प्रकट किया। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को एक खास उद्देश्य की भावना के रूप में व्यक्त किया। जैसे कि उन्हें पता था कि उनके एक उद्देश्य पूरा करना है। उनकी आध्यात्मिक यात्रा की प्रेरणा उनके उम्र से भी अधिक प्रतिबद्ध थी। क्या आप उनके शुरुआती आध्यात्मिक प्रवृत्तियों पर विस्तार से बता सकते हैं? बिल्कुल, छोटी उम्र से ही रवि ने एक गहरी आध्यात्मिक जागरूकता का प्रकट किया। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा लगता था कि उन्हें अपना उद्देश्य पूरा करना है। जैसे कि उन्हें पता था कि उनका एक उद्देश्य क्या है। ज्ञान उनके उम्र से बहुत आगे था। जैसे कि वे पवित्र श्लोकों का आसान ध्यान कर रहे थे। यह स्पष्ट था कि उनकी यात्रा एक आध्यात्मिक विकास और प्रकाश की ओर थी। कैसे उनका शिक्षात्मक और बुद्धित्व प्रयास उनके आध्यात्मिक पाठ को दर्शाता है। रवि एक शिक्षात्मक सफर अद्भुत था। 9 साल की उम्र में वे ऋग्वेद और अध्ययन कर रहे थे और 14 साल की उम्र में उन्होंने विज्ञान में PhD प्राप्त किया था। उनका तेजी से प्रगति यात्रा उनके बुद्धिजीवी और ज्ञान के प्रति समर्पण को दर्शाता था। हालांकि स्पष्ट था कि उनका ज्ञान का अध्ययन सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था, बल्कि एक उच्च उद्देश्य की सेवा के लिए, दुनिया को खुशी और ज्ञान का प्रसार करने के लिए। क्या आप कोई विशेष घटना का अंश बता सकते हैं जो उनके असाधारण योग्यताओं या का प्रतिनिधित्व करती है? बिल्कुल, जब रवि को स्कूल में दाखिला किया गया तो उनकी बुद्धिमत्ता जल्दी ही उनके अध्यापकों का ध्यान आकर्षित कर गई। उन्हें उनकी आध्यात्मिक आधुनिक समझने और क्षमताओं के कारण लगातार उच्च स्तरों में प्रमोट किया गया। उनके प्रतिभाशा की पहचान उनके भविष्य के सफलता और समाज में योगदान के लिए आधारशिला थी। आप और आपकी परिवार ने रवि की आध्यात्मिक और बुद्धिजीवी यात्रा को किस प्रकार से सहयोग दिया? हमने रवि के असाधारण गुणों को छोटी उम्र से ही पहचाना और उसे पूरी शिद्दत से उनके पैशन को परस्यू करने के लिए प्रोत्साहित किया। हमारे वार्तालाएँ साधारण पारिवारिक मामलों पर नहीं, बल्कि उनकी प्रगति, उनके विचार और उनके जीवन के दृष्टिकोण पर घूमती थी। हमारा अटल सहयोग ने उसे आज के आध्यात्मिक नेता बनने की दिशा में विकसित होने दिया। धन्यवाद आचार्य रत्नानंद जी, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के शुरुआती जीवन के इस रोचक सफ़र को हमारे साथ बांटने के लिए। यह मेरे लिए खुशी की बात थी, मेरे बेटे की अद्भुत यात्रा को याद करने का अवसर देने के लिए। धन्यवाद जय गुरुदेव।